इंदौर के आईजी विवेक शर्मा ने की अनूठी पहल, वायरलेस के माध्यम से पुलिस के सभी अधिकारी और कर्मचारी को किया संबोधित। अपने संबोधन में आईजी शर्मा ने सभी पुलिस कर्मियों के कार्य को सराहा। वहीं आईजी विवेक शर्मा ने पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और कहा कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को पुलिसकर्मी के साथ चौराहे पर खड़ा किया जाए ताकि उन्हें भी पुलिस की कार्य प्रणाली का अंदाजा लग सके। साथ ही उसका वीडियो बनाकर उसी के मोबाइल से सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर गलती को स्वीकारते हुए शेयर कराया जाए। वहीं आज विवेक शर्मा ने दिया इंदौर पुलिस को नया स्लोगन, गीत हम गाएंगे कोरोना को हराएंगे, जिसके चलते पुलिस विभाग का कोई भी अधिकारी कर्मचारी वायरलेस सेट के माध्यम से पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देगा अपनी प्रस्तुतियां। अब रोजाना 11 बजे दी जाएगी गीत की प्रस्तुति। इस दौरान आईजी विवेक शर्मा ने खुद गीत गाकर बढ़ाया सभी थाने के पुलिस कर्मियों का हौसला। बाइट, मैं बीच बीच में पॉज करूंगा क्योंकि लंबा मैसेज ट्रांसमिट होने में फिर कट जाता है। साथियों, आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, चाहे वो थाने का बल हो, चाहे वो लाइन का बल हो, चाहे वो ट्रैफिक के सिपाही हो, चाहे क्राइम का स्क्वाड हो, चाहे वो कंट्रोल रूम में तैनात लोग हो, चाहे वो ऑफिस में कार्यरत कर्मचारी अधिकारीगण हो। आप लोगों की ड्यूटी को सुविधाजनक बनाने के लिए हम अधिकारी जितना भी प्रयास करें उतना ही कम है। इस दौरान आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे सकारात्मक रचनात्मक कार्य किए हैं। ट्रैफिक वालों ने ड्यूटी करी है, किसी ने गाना गाया है, किसी ने डांसिंग कॉप की भूमिका निभाई है, किसी ने कोरोना का भूत बनकर लोगों को डराया है, किसी ने गाने गाए, किसी ने खाना बांटा, किसी ने घर, बहुत सारे लोग घर से अलग रहे। आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है। कि जो विदेश है, विदेश में पुलिसमैन को कॉप बोलते हैं, कॉप। इस वर्ड का आजकल एक विशेष मायने हैं इसके। कॉप मतलब कोरोना पुलिस। इस चीज को अपने जहन में रखिए, आप इस चीज को जरूर ध्यान रखिए कि ये जो इस समय का जो ये जो युग है ये थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है। इस समय लोग भी बेचारे अपने घर में बंद हैं, तो उनकी मानसिकता को समझिए और संवेदनशील रहिए और सहनशील भी रहिए। किसी पर बल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अल्फा टू ऑल मोबाइल्स, ऑल मैनपैक्स, सभी साथी अधिकारीगण, सबसे पहले तो आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग अचीव कर लें। सब एक दूसरे से 1 मीटर कम से कम दूरी पे हो जाएं और अपने सेट का वॉल्यूम फुल पे कर लें ताकि सभी लोग सुन सकें। साथियों, इस पूरी लड़ाई में आपका जो डिसिप्लिन है और आपका जो टीम वर्क है यही आपको जिताएगा। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम खुश रहें, पॉजिटिव सोच रखें और एक दूसरे के मनोबल को बढ़ाएं। इतने सकारात्मक रचनात्मक काम किए हैं, इसी तरह जो उल्लंघन करता है उसको भी मारने पीटने की बजाय उससे 2 घंटे ड्यूटी करवा लो, उसको भी पता चले पुलिस की ड्यूटी कैसे होती है। चौराहे पे ट्रैफिक ड्यूटी करवा लो, नाके पे ड्यूटी करवा लो, उसको भी पता चले कि धूप में खड़े होकर पुलिस कैसे काम करती है। उससे माफी मंगवा लो, वो कान पकड़ के माफी मांगे, उसका वीडियो बना लो, उसके सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डलवाइए कि हाँ मैंने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया है, इंदौर वासियों से मैं माफी मांगता हूं, उसके सारे ग्रुप्स पे डलवाइए। तो बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिससे कि हम बल प्रयोग से भी बच सकते हैं और जनता को मैसेज भी कर सकते हैं कि लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें। साथियों, इस पूरी लड़ाई में आपका जो डिसिप्लिन है और आपका जो टीम वर्क है यही आपको जिताएगा। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम खुश रहें, पॉजिटिव सोच रखें और एक दूसरे के मनोबल को बढ़ाएं। यही रहेगा कि जो भी कर्मचारी अधिकारी इसमें सेट पर आकर लोगों को मोटिवेट करना चाहता है वो एडिशनल एसपी गुरु पराशर या मनीषा पाठक से संपर्क करें और फिर अगले दिन 11 बजे उसको सेट पर लाया जाएगा ताकि वो बाकी लोगों को मोटिवेट कर सके। क्योंकि आज प्रथम दिन है तो मैं भी आपके लिए 2-4 पंक्ति गाऊंगा कि हम रोज एक कोई 2 मिनट की प्रस्तुति कोई भी व्यक्ति, अधिकारी, कोई कांस्टेबल, कोई भी कर्मचारी दे सकता है अपने एक्सपीरियंसेस को लेके। कोई गाना गा सकते हैं, इसका शीर्ष ये रखेंगे कि गीत हम गाएंगे
कोरोना को भगाएंगे, गीत हम गाएंगे कोरोना को भगाएंगे या कोरोना को हराएंगे, ये बेहतर है। गीत हम गाएंगे कोरोना तुम्हें हराएंगे, गीत हम गाएंगे कोरोना तुम्हें हराएंगे। विचार के साथ मैंने तय किया है कि प्रतिदिन हम लोग 11 बजे एकत्रित होंगे सेट पर। किसकी नाइट गश्त है वो घर पे सेट ऑन रखेगा 11 बजे, मोबाइल होंगी तो उस मोबाइल के हम सेट को फुल वॉल्यूम पे रखेंगे, और थानों पे भी जो बल है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 11 बजे के करीब अपने जहां पर आपका वायरलेस सेट स्थापित है वहां पर रहेगा। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन। साथियों, इस गीत में एक बड़ा संदेश छुपा हुआ है कि अगर हम साथ साथ हाथ में हाथ डालकर चलेंगे तो हम इस जंग को जीत सकते हैं, हम डरेंगे नहीं, कोरोना से डरो ना और हम फिर कामयाब होंगे। हम में से कुछ लोग इस लड़ाई के दौरान गिरेंगे, निश्चित रूप से गिरेंगे, पर हम गिरने नहीं देंगे किसी को, और अगर हम ऐसे चलेंगे तो निश्चित रूप से शांति स्थापित होगी। तो दोस्तों, ये चुनौती का अवसर है, ये चुनौती को एक अवसर के रूप में लीजिए, और इसमें लोगों से जुड़ने का हमारे को एक अभूतपूर्ण अवसर मिला है, तो इसको आप सकारात्मक रूप से लीजिए, पॉजिटिव रहिए और एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए। हर रोज हम 11 बजे सेट पर मिलेंगे। मैं पुनः आपके जज्बे को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। जय हिंद, ओवर एंड आउट।